कैपिटल सिटी दिल्ली में 11 मार्च को देश के सम्मानित लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। जनवरी में होम मिनिस्ट्री ने 2019 के लिए पद्मश्री अवार्ड के नामों की घोषणा की थी। इन 112 लोगों में से 56 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को सम्मानित किया। ये सम्मान खेल जगत से लेकर जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना योगदान देने वाले लोगों को दिया गया। इस साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया से कई सितारों को सम्मानित किया गया। सिंगर शंकर महादेवन को प्रेसिडेंट ने पद्मश्री के साथ नवाजा। शंकर के साथ इस मौके पर उनकी वाइफ भी मौजूद थी। शंकर महादेवन 1999 से संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल विश्वनाथ को सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मोहनलाल एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। 40 सालों से मोहनलाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं। बॉलीवुड एक्टर और साउथ के सुपरस्टार प्रभु देवा को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से ऑनर किया गया। प्रभु को ये सम्मान उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए दिया गया। वहीं वेटरन एक्टर कादर खान को भी निधन के बाद पद्मश्री से नवाजा गया। कादर ने 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। डायलॉग्स हो या फिर कॉमेडी, कादर हर परफॉर्मेंस में हमेशा खरे उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।